नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। लोकसभा चुनाव में आज पांचवें चरण में हाजीपुर सीट पर भी मतदान हो रहा है। इस बार मुकाबला रामविलास पासवान के बेटे व लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान और राजद के शिवचंद्र राम के बीच है। पिछली बार उनके चाचा पशुपति नाथ पारस चुनाव जीते थे। इस बार चिराग यहां से लड़ना चाहते थे। इस पर काफी विवाद भी हुआ। पशुपति ने एनडीए छोड़ा, फिर मान भी गए। चिराग ने एनडीए से लोजपा के लिए इस सीट को खास तौर पर मांगा। उन्हें बिहार में 5 सीटें मिली। चिराग ने साफ कर दिया था कि वे पिता की सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। चिराग को जातिगत वोट, पीएम मोदी का नाम, भाजपा और जदयू के कैडर के वोटों का आसरा है। वहीं राजद के शिवचंद्र को सामाजिक समीकरणों का सहारा है। वे हाजीपुर से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, स्थानीय हैं। 2 बार राजद से विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार की 5 सीटों पर आज हो रहे चुनाव में हाजीपुर सीट की चर्चा भी खूब हुई है और इस चर्चा का विषय चिराग पासवान नहीं बल्कि उनके पिता रामविलास पासवान है। गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान, ये बरसों तक लगा सिर्फ पुराना चुनावी नारा नहीं है। इससे पता चलता है कि वो कदावर नेता रामविलास पासवान ही थे जिन्होंने नामालूम सी लोकसभा सीट हाजीपुर को इतनी खयाती दी। रामविलास पासवान के इर्द गिर्द ही घूमते रहे। वे 8 बार यहाँ से चुनाव जीते। यही नहीं, सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। 1977 से पहले हाजीपुर सीट की चर्चा तक नहीं हुआ करती थी, मगर इसी साल कांग्रेस विरोधी लहर पर सवार पासवान ने अपनी प्रतिद्वंदी कांग्रेस के बालेश्वर राम को 4.25 लाख वोटों से हराया। ये जीत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई और चर्चा का विषय बन गई। अन्य सीटों की तरह हाजीपुर भी कभी कांग्रेस और समाजवादियों का गढ़ था। यहाँ से 1957 और 62 में कांग्रेस के राजेश्वर पटेल चुनाव जीते। 1967 में कांग्रेस के वाल्मीकि चौधरी, 71 में दिग्विजय सिंह जीते। इसके बाद माहौल बदला और 77 और 80 में पासवान जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। 84 में कांग्रेस लहर में राम रतन जीते तो 89 के चुनाव में पासवान फिर जीते। 91 में जनता दल से राम सुंदर दास जीते। इसके बाद लगातार 4 बार 96, 98, 99 और 2004 में अलग अलग दलों से पासवान जीते। 2009 में जदयू के राम सुंदर दास जीते तो 2014 में पासवान लोजपा से जीते। 2019 में उनके भाई पशुपति यहां से चुनाव जीते। जातीय समीकरण की बात करें तो इस लोकसभा सीट में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहां करीब 19.5 लाख वोटर हैं। पासवान और राजपूत मतदाता 3-3 लाख है। वही 2 लाख वोटर मुस्लिम और 2.5 लाख महादलित है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।